हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैंने चाय नाश्ता मेरा हो गया है, सब कुछ, पूजा पाठ भी सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध चढ़ा दिया एक साइड मेरी दाल बन रही, और यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से धुल लिया है 2 बार, और यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ। तो आज मैं इसकी बनाऊँगी भुजिया सब्ज़ी, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन प्याज हरी मिर्ची, जो कि मैं चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। और अब चल रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। एकदम मेरा सब्जी बन मतलब धुल उल के सब रेडी हो गया है सब कुछ, तो यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी हो गई है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ाई कराही तो उसमें डाला तेल, तेल गरम हो गया तो उसमें जो मैंने कद्दूकस किया हुआ था प्याज लहसुन और हरी मिर्ची तो इसमें डाल दी हूँ, और मेथी का इसमें तड़का लगा दी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। और यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी, दूध भी गर्म हो गया है, और ये देखिए यहाँ पे कलर ना चेंज हो गया है प्याज का और लहसुन हरी मिर्ची का। तो यहाँ पे ऐड कर दूँगी पहले आलू। आलू ऐड करने के बाद और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनूँगी, तब इसमें मैं डालूँगी उसके बाद में बैंगन। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने बैंगन डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस ये सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी विदाउट मतलब मसाले की, क्योंकि मेरे पति देव को पसंद नहीं, इसकी भुजिया ही उनको पसंद है, और इसमें मसाले डाल देंगे आप तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और यहाँ पे देखिए, चावल धुल के मैं गैस पर ये भी चढ़ा दी हूँ। तो आज मेरी दाल चावल रोटी सब्जी जो होती है मतलब सब कुछ बनाना है, और सब्ज़ी एकदम सिंपल बनाऊँगी। और इसमें सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको दी थी, तो इसको अच्छे से चला दूंगी तो इसका कलर भी चेंज। और ये देखिए फ्रेंड, इसे फिर चला दूंगी, उसके बाद चलाने के बाद इसमें नमक ऐड कर दूंगी, सिर्फ थोड़ी सी ही बची है सब्जी, और थोड़ा आलू पकना इसका जो है ना बाकी है, तो नमक ऐड कर दूंगी तो अच्छे से पक जाएगा। और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके नमक को ढक दूंगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए आप सभी। और चल रही हूँ चटनी बनाने टमाटर की। देखिए टमाटर तो चल रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने, और वो भी सिलबट्टे वाली चटनी। देखिए सिलबट्टा देखो की चटनी बनाने जा रही हूँ। और फ्रेंड, आज हमारे यहाँ बन रही सिलबट्टे वाली चटनी, क्योंकि जो हम मिक्सी में चटनी बनाते हैं ना, उसका कलर अच्छा आता है और ना ही वो उसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है जितना कि हम सिलबट्टे पे चटनी बनाते हैं। तो आज मैं सोची कि अधिकतर मैं सिलबट्टे पे ही बनाती हूँ, मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 टमाटर ले लिया है, और हरी मिर्ची ले लिया, लहसुन और धनिया पत्ती, नमक, और बस इसी से ही चटनी बनाऊँगी, और बहुत ही अच्छा लगता है, हमें सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगती है। आप सभी को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी फैमिली में सबको सिलबट्टे वाली चटनी पसंद है, मिक्सी वाली बहुत कम सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं चटनी पीस लूँगी। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही बताइएगा ज़रूर। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पीस ली हूँ, और सारा मैं यहाँ पर पीस ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मेरी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो मैं आज इसे सिलबट्टे पे ही पीसी हूँ, और यहाँ पे सब्ज़ी भी, ये देखिए मेरी भुजिया सब्जी बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रोटी भी बना लूँगी। तो मेरा सारा खाना बनके रेडी हो गया, और आप लोग देख सकते हैं ना, मेरा जो चौका है आज सुबह मॉर्निंग में टूट गया, मैं इसको धुल के ला रही थी और उसके बाद मेरे हाथों से छूटा, कहो कि भगवान का शुक्र मेरे पैरों पे जाके नहीं गिरा, नहीं तो आज बहुत तेज़ से मुझे चोट लग जाती। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, खाना रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं सलाद कट कर ली हूँ, और दाल चावल, और यहाँ पे सब्जी, आलू बैंगन की जो भुजिया है, और इसके बाद यहाँ टमाटर की तीखी वाली चटनी। और आज मेरा सिंपल सा यही लंच है,
और लेकिन बहुत ही टेस्टी, एकदम सिंपल और हेल्दी भी है ना। इसमें कोई ज़्यादा मसाला है ना, मिर्च कोई नहीं, एकदम सिंपल सा है लेकिन बहुत ही हेल्दी। लंच आज मेरा बनके तैयार हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं चावल। तो चलिए ये मैं अपने हस्बैंड जी के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि नहा धो के सब लोग रेडी हो गए हैं। बिटिया रानी भी नहा ली है दोपहर में, सब कुछ सारा काम हो गया। तो यहाँ पे रोटी भी रख दी हूँ। तो चलिए फिर अपने पति देव को देती हूँ खाना यहाँ पे। तो आज मेरा दोपहर का यही लंच है। तो आप लोग बताइएगा कि आप सभी को मेरा ये जो सब्जी का भुजिया का रेसिपी कैसा लगा आप सभी को। तो देख सकते हैं धूप बहुत खिली खिली हुई और 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो सबका लंच यहाँ पर शुरू हो गया। तो पहले पतिदेव को दे दूंगी, उसके बाद सासू माँ को, तो सबको दे दूंगी, उसके बाद खुद खाऊंगी। और मैं भी चल रही हूँ, ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो खाना नहीं खाओगी? तो कहाँ गई थी? कहाँ थी? किस लिए गई थी बाहर? दादी के लोग। तो चलो उसके बाद खाना खाओ, लेके आऊँ? चलो ठीक है, आप बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। यहीं पे बैठो, मैं आ रही हूँ। बाहर धूप देखिए, इतना तेज धूप है कि हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा धूप। देखिए कपड़े भी इधर सहारा, देखिए कपड़े भी इधर धुल के फैला दी हूँ, और अभी जब सूख जाएगा तो इसे मुझे फोल्ड करना है। तो चलिए फिर अब बिटिया रानी को भी खाना देती हूँ, मैं खुद भी खा लेती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो फ्रेंड खाना पीना हो गया और बर्तन वर्तन भी मैं धुल के सब रख दी, किचन को भी क्लीन कर लिया। तो यहाँ पे ये धुल के डाल दी थी, जो मैं इसको अपने बक्से पे डालती हूँ, हम लोग बक्सा बोलते हैं। तो इस पे मैं, ये मेरा चादर था तो इसको बीच से कट करके दोनों पे डाल दी हूँ। तो इसको आज धुली थी तो सूख गया है। तो यहाँ पे सब देखिए, मैंने तकिए का सारा कवर निकाल के ये सब भी धुली हूँ आज सुबह। बहुत ज़्यादा काम था सुबह मॉर्निंग में, तो सब कपड़ा वपड़ा धुल दी हूँ यहाँ पे। तो इसको सेट करूँगी और ये ब्लैंकेट ये भी इसके ऊपर रख दूँगी फोल्ड करके। तो जब अच्छे से आप सारा घर ना कमरा जो है व्यवस्थित करके रख दो तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे ये बिटिया रानी का स्टडी टेबल है, तो ये अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी, उसके बाद में गई हैं बाहर अपनी दादी के पास, बैठी उनसे बात बात कर रही हैं। ये देखिए आ गई यहाँ पे। तो ये जो फ्रेंड मेरा गद्दा है ना, तो इसमें जो पन्नी लगी रहती तो मैं इसको निकाली नहीं थी, क्योंकि मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा छोटी थी और तो पानी वगैरह नहीं, पानी गिर जाता, अभी छोटी थी तो लगता था कहीं ऐसा ना टॉयलेट वगैरह कर दें तो गंदा भीग जाए, पूरा भीग जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई हैं और बिस्तर पे कभी भी टॉयलेट वगैरह नहीं करती हैं, बड़ी हो गई। और इसकी जो पॉलीथीन थी फ्रेंड्स, वो अंदर से फट चुकी थी। तो जब हम लोग इस पे बैठते थे या लेटते थे ना, तो अजीब तरह से लगता था। तो मैं सोची कि चलो बड़ी हो गई, इतना तो कोई वो है नहीं कि पानी गिरा देंगी नहीं कुछ, तो चलो इसकी पॉलीथीन निकाल ही देते हैं और इसको धूप में डालेंगे। आज नहीं डालेंगे क्योंकि धूप जा चुकी है और ये 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, 3 या समथिंग 4 बार बज रहा है। तो इतनी टाइम मैं सोची कि चलो आज यही काम कर लेती हूँ। तो इसकी सारी ये देखिए पॉलीथीन दोनों मैं गद्दे की निकाल दी हूँ और इसको अच्छे से झाड़ ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे कितना शरारत कर रहे हैं, इतनी सारी पॉलीथीन निकली हुई है ये गद्दे से, तो दोनों गद्दों में लगी हुई थी, मैंने दोनों गद्दों का नहीं निकाला था। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दी हूँ और अब इसको नीचे भी पूरा गर्दा उर्दा झाड़ दी हूँ इसका, अभी एक बार और झाड़ बाड़ दूँगी। और दोनों का मैं यहाँ पे देखिए ये कवर निकाल दी हूँ, तो इसको कल धुलूँगी, सुबह मॉर्निंग में धुल दूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा धुली हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं की हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी ब्लॉक हो जाता है। और मॉर्निंग में ही मैं सुबह ही सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के बाद कपड़ा ही धुली थी। और उसके बाद में देखिए यहाँ मैं चादर भी इस पे डाल दूँगी। और ये देखिए साइड से जो आप दीवार देख रहे हैं ना, मेरी बिटिया रानी सारा इसको नोच नोच के निकाल दी है, इतना सारा कलर यहाँ पर नहीं लग रहा ना, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। और सब निकाल दी, इसको छुड़ा दी है दीवार से पूरा। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी पॉलीथीन, इसको मैं बाहर जाऊँगी डस्टबिन में डाल दूँगी, उसके बाद में ये कवर रख दूँगी साइड में, क्योंकि कल धुलूँगी तो इतनी टाइम तो धुल नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी ये छोटी, इनको पढ़ाना है। उसके बाद में शाम भी हो गई और लाइट की हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही, मैं क्या बताऊँ आप सभी से। और जब लाइट आएगी तभी मैं धुल पाऊँगी। उसके बाद में
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स झाड़ू लगा दूंगी। और झाड़ू लगाने के बाद ना जब मैं गद्दे में से ये निकाली हूँ पॉलीथीन, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया, इधर उधर झाड़ी हूँ। उसके बाद में भी यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लीन करूँगी। और इतना सारा मुझे कपड़ा धोना है, जो अभी चद्दर निकाली हूँ और दो बेडशीट और पतिदेव का दो कपड़ा है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इतना ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। साफ़ करके सारा जो सामान है अच्छे से इसको व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना झाड़ू, जैसे कोई चीज़ आप झाड़ो तो उसमें से धूल मिट्टी निकलती ही निकलती, चाहे आप कितना भी कर लो। और यहाँ पे यहाँ देखिए सारा सामान इसको भी सेट करूँगी, क्योंकि बिटिया रानी सब उथल पुथल मचा देती हैं। डिब्बे में से देखिए सारा सामान निकाल के इधर उधर कर देती हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे वीडियो को देखिए, और आप सभी प्लीज़ प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी एक लाइक करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखिए अलमारी का जो भी सामान था मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। उसके बाद में ये देखिए ये अलमारी भी पोंछ दूंगी और इसका शीशा वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और अलमारी मैंने अच्छे से पोस्ट जिसे मतलब शीशा वगैरह सब पोस्ट दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एसी में भी थोड़ा धूल मिट्टी हो गई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से पोस्ट दूंगी। और यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल चार्ज की थी, तो चार्जर ऐसे लगा हुआ था, तो इसको भी निकाल के रख दूंगी फ्रेंड। तो आज मेरा मतलब दोपहर में मैं बिल्कुल सब यही सब काम की हूँ, 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट भी नहीं की हूँ आज, क्योंकि सुबह का सारा काम हो गया, फिर कपड़े धोना, फिर बच्चों इनको नहलाना बिटिया रानी को, फिर खाना बनाना, सारा काम झाड़ू पोछा। और देखिए धूप बहुत ही ज़्यादा हमारे कमरे में आती है, और सब मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया, यहाँ सब क्लीन हो गया है, इतना सारा कपड़ा रखूँगी धुलने के लिए। तो चलिए फिर मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स शाम को हमारे यहाँ 5-5:30 बजे के करीब आ गया पानी पूड़ी वाला। तो मैं पतिदेव से कल बोली थी कि आप जाइएगा मार्केट से ना तो पानी पूड़ी लाइएगा, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले मतलब फीवर था और ज़ुकाम हो गया था, तो मेरा बहुत ही तीखा तीखा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं बोली थी। लेकिन चलो ये इतना अच्छा हुआ कि बगल से ही जा रहा था और आ गया हम लोग यहाँ पर, तो बच्चों ने भी खूब खाया और हमने भी खूब खाया पानी पूड़ी। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है, हम लोग बाहर कहीं भी जाते ना तो पानी पूड़ी ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ हमारे घर में ही दुकान आ गई आज पानी पूड़ी की, ये देखिए आप लोग, तो यहाँ सब लोग खाए पानी पूड़ी, तो मैं भी यहाँ पे खाई। तो चलिए आप सभी के साथ अब वीडियो का करती हूँ इन। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।